वासु नाम है, बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए हमने ऐसे खतरनाक आदमी को अलग सेल में रखा हुआ है। देखते हैं कितना दम है। क्या वो वाकई इतना खतरनाक है? हाँ सर, बहुत शातिर आदमी है। एक बार तो उसने हद कर दी, अचानक वो जेल से गायब हो गया। ताला लगा हुआ था, सलाखें भी ठीक थी, फिर भी वो भाग निकला। लेकिन आप लोगों को वासु से क्या काम पड़ गया? उससे सर्कस में काम करवाना है। ये तो हमारी इंसल्ट कर रहा है। ये वन साइड मिरर है, वासु हमें देख नहीं सकता। वासुदेव, इस आदमी से डील करने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये जादूगर है और भागने में माहिर है। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसे ये तोड़ ना सके, ना ही वो सलाखें जो इसे कैद रख सके। कुछ समय पहले ये मैजिक शो होस्ट किया करता था, लेकिन बाद में अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके इसने शहर के काले धन वाले लोगों को लूटना शुरू किया। आप सब जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले नाइट क्लब शूटआउट में दो लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए मिनिस्टर का बेटा जिम्मेदार था। उसे बचाने के लिए मिनिस्टर के वॉचमैन के बेटे को फंसा दिया गया और हादसे में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस एविडेंस रूम में ही रखा गया था। पता है इन लोगों ने क्या किया था? सुबह तक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक ये खराब कैसे हो गया। साहेब, ये बनना तो मेरे जन्म से पहले ही बंद हो गया था। रिश्वत में इतना कमाते हो, नया वाला मंगवा लो ना। चिकन मीट भाई, हमने हैक कर लिया है। Ain't gotta get a clue, high tech loot. He makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain you're working. God is on me walking there, trying to find him. Don't you dare, don't you dare, don't you dare. He's never been a loser. Gang fight, sus, sus, sus. Hold, कौन से पुलिस स्टेशन से? पाटलिपुत्र। रजिस्टर में नाम और सिग्नेचर कर दीजिए। जी, राजेश कन्नन। जाइए सर। किसी और पुलिस स्टेशन के आदमी को तुमने अंदर कैसे जाने दिया? वो भी पुलिस वाला है सर। तुमने सिस्टम में वेरीफाई किया? हाँ किया सर। कहाँ है वो अंदर? क्या क्या सर? यहाँ से किसी को बाहर जाने मत देना। ओके सर, गेट बंद कर दो, किसी को बाहर जाने मत दो। सर चलो चलो सर, चलो हम लोग। किसी को जाने मत देना। He's never been a loser.
तलाशी लो इसकी। इसकी पॉकेट चेक करो। अच्छी तरह तलाशी लो। सब जगह ढूंढ लिया सर, लेकिन गन नहीं मिली। गन मिलने के बाद ही इसे जाने देना। ओके सर। सर, गन कोर्ट में पेश कर दी गई है। तूने ये घटिया ट्रिक पुलिस वाले को दिखा के गलती कर दी। नीचे जो फाइल्स पड़ी है ना, ये फाइल्स एक भागे हुए टेररिस्ट की हैं। वो तो मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। उसके केस में तुझे फिट कर दूंगा। कितना लंबा जाएगा ये? कम से कम 10 साल। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन अब खुद तुम अपने बेटे से दूर हो जाओगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। एक बेगुनाह मेरी आंखों के सामने सजा काटे मैं नहीं देख सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। पापा। रोते नहीं है बेटा। अगर इसकी कोई कमजोरी है तो वो है इसका बेटा रवि। इसके बेटे का इस्तेमाल करके हम इससे कुछ भी करा सकते हैं। वासु का बेटा आया है, आप उससे मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं, बच्चे को वासु से मिलने दो। ओके सर। तेरा बेटा तुझसे मिलने के लिए आया है, अंदर भेज रहा हूं उसे। यहां पे? लेकिन हम तो हमेशा विजिटिंग एरिया में मिलते हैं। मिलना है तो यही मिल, वरना वापस भेज देता हूं। वापस मत भेजना, मैं यही मिल लेता हूँ। बस आप ये हथकड़ी खोल दीजिए, बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। जब तू क्राइम कर रहा था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया, अब इज्जत का ढोल पीट रहा है, तुझे यही मिलना पड़ेगा। मुझे हथकड़ी पहना दी, उल्टा चोर पुलिस को डांटे। चीफ को इसकी कलाकारी देखने दो। मेरी भी इज्जत है। अरे इज्जत का फलूदा मत कर, शाम के खाने में बिरयानी खिलाऊंगा, छोड़ दे भाई, छोड़ देना। पता है ना, विजिटिंग आवर्स में कैदी को हथकड़ी नहीं पहनाते। ए, तेरी। अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? अरे भाई, बिना हथकड़ी के मिलने उसे, कहे तो चाबी दे देता हूँ, ये ले। क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे तो किसी काम का नहीं लग रहा है। इसे खुद पे बड़ा गुरूर है चीफ। पापा। रवि। पापा। फ्रीज। क्या हुआ? अपनी पॉकेट चेक करो। अरे वो चॉकलेट। यहाँ पंखा भी नहीं है, आपको कैसा लगता होगा? पापा को ठंड लगती है, रात में यहाँ एसी चलता है। आबरा का डाबरा। ये पुलिस वाले तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। तो फिर उनसे कहिए ना आपको घर आने दें। बेटा उन्हें केक खिलाने के बाद। पापा अपनी पॉकेट में हाथ डालिए। हे बेटा, मेरा असर हो रहा तुझ पर? हाँ पापा। पापा। मिलने का टाइम खत्म हो गया, चल बेटा आजा। पापा। बातें मन में कर लेना। अंकल थोड़ी देर। अंकल प्लीज। पापा।
रवि आजा। पापा। डर मत बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? बेटी को लेकर पागल है सर। ये कानून तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटता होगा। लेकिन इंसान अच्छा है, इसे सिलेक्ट करते हैं। हा? इसके पेपर्स तैयार करवाओ, सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसे हेडक्वार्टर्स लेकर आओ। इंडियन आर्मी की स्पेशल पावर से ये तुम्हें रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स हैं। तुम्हारे खिलाफ सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। इन रिलीज ऑर्डर्स के मुताबिक इंडियन आर्मी तुमसे जो चाहे वो करवा सकती है। हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से तुम्हें एक चीज चुरानी होगी। अपने बेटे का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ मेरी टीम हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ए, थर्ड अंपायर डिसीजन है। साफ दिख रहा है यार, आउट नहीं है। हम लोग करते हैं ना। थर्ड अंपायर के लिए वेट कर रहा था, उसको मालूम नहीं उसके बाप यहाँ पे फोर्थ अंपायर बैठे लिए। अबे ओए चिल्को से ट्राई करो कर रहा है येड़ा। अबे भागो, आर्मी पकड़ने आ रही है। हाँ, आर्मी? अबे आर्मी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? आर्मी क्या योगा कर रहे हैं बे? अरे अरे सर सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो आउट ही था, ये चीटिंग है सर। कितने है तेरा पार्टनर? सलाम साहब। चल बारा। साहब लोग हल्का होने के लिए डब्बा लेकर जाते हैं, पर मैं डब्बे में ही हल्का हो जाता हूँ। मोबाइल। अबे सुन, पुलिस थर्ड डिग्री देती है, कहीं ये फौजी लोग हमें 90 डिग्री ना दे दें। ए, सच बोल रहे हैं? अरे वासु, अबे तू भी यहाँ? पुलिस ने तुझे छोड़ दिया और आर्मी ने पकड़ लिया? अरे तुम लोगों को मैंने ही यहाँ बुलवाया है। तूने? और इस एहसान की वजह क्या है? कोई मेडल दिलवाने वाला है क्या? अरे कुछ ऐसा ही समझ ले यार, एक कीमती चीज चोरी करने के लिए मुझे जेल से छोड़ा गया है। क्या चोरी? दिखने में तो जगह ट्यूशन क्लासेस लग रही है, और आईना मेकअप रूम का लगाया। बहुत दिन हो गए यार, नाक के बालों को नहीं सिलाया। अच्छा, आर्म्ड फोर्स के स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 के तहत तुझे छुड़ाया गया है, मतलब आर्मी को हमारी बहुत जरूरत है। ये टैबलेट लेके अंदर कैसे गया? पता नहीं कहना, हमने तो बहुत अच्छे से तलाशी ली थी। देख काम भी कुछ हो, प्रॉफिट के दो ही हिस्से होंगे। आर्मी वुमन ने जब मुझे जेल से बाहर निकालने की बात की तो हिस्से का ख्याल ही नहीं आया। आर्मी वुमन कवारी थी या तलाकशुदा? जब मिलेगी ना तो खुद ही पूछ लेना। चीफ ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। मिलिट्री से पैसा लेना बहुत बुरी बात है, मुझे मेरा शेयर नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उनकी रम एक नंबर रहती है। ऐसी बातें कर रहा है, ढक्कन सुन के तो चढ़ जाती है इसको। अबे रम के ड्रम में डुबाऊंगा। ये नमूने देश को बचा पाएंगे? सॉरी चीफ, पर मुझे लगता है हमें किसी और की तलाश करनी होगी। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले एक मौका तो दो इन्हें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। इनकी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मिशन ही खराब हो जाए।
क्या आईने में लगा हुआ है? थोड़ा मेरा ज्यादा गौर से मत देख, आईना टूट जाएगा। हमें इनकी परीक्षा लेनी थी, उल्टा यहाँ हमारी क्लास ली जा रही है। जो भी हो, इन चोरों के सामने हार नहीं मानेंगे। ये वॉल्ट दुनिया के सबसे मजबूत टाइटेनियम से बना हुआ है और आपका काम है इसे खोलना। इस काम के लिए आप इन रखी हुई चीजों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह काम आपको 2 मिनट में करना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भारी है? हाँ। कान में धुआं चला गया। इस पर तो असर ही नहीं हुआ। कितना पोल्यूशन कर रहे हैं लोग। We have to blast it. Let's do it. सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके पास। इन एक्सप्लोसिव स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, ऐसे बम तो अपन दशहरे में रावण को उड़ाने के लिए लगाते थे। डिस्टर्ब मत कर। ब्लास्ट। नहीं खुला। योर टाइम इज अप जेंटलमैन। तुम्हारे लिए भी वही रूल्स हैं जो इनके लिए थे, जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर देना यार, इतना तंग मत कर। मिशन अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल पावर। Extraordinary superpower. He's got this 7 cents, making some regional criminal plans. Gotta make a quicker move, or he might flick it in a bit. Yeah, that's true. Technology brings a change. Yeah, let's not time to use it. We've got a super brain, just don't think now to fuse it. दरअसल हमें वो powerful explosive use करना। शायद हमें वो लेना चाहिए था। अगर हम उसका इस्तेमाल करते तो शायद। वेल, अब तो समझ गए ना कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की तैयारी करो। यस सर। ये भाई ढोकला खाएगी क्या? वेलकम टू द टीम बॉयज।